आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल My IVF Journey पर। आज जो है मैं आपके साथ कुछ अलग सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं दोनों बेबी को पहले जैसे मंदिर में लेकर गई थी, अभी जो है उनको गुरुद्वारे में लेकर जा रहे हैं। आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व है और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पर मतलब कि बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई है और मना भी रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं उनको वहाँ पर लेकर जा रही हूँ। और वैसे भी जो है मैंने मन्नत मांग रखी थी और इस मन्नत को मैंने काफ़ी टाइम से पूरा करना था कि उनको जब लूज़ मोशन लग गए थे तो मेरा मन था कि मैं उनको जो है ये मन्नत को पूरा करूं कि उन्हें गुरुद्वारे में लेकर जाऊंगी। जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो ही मैंने ये मांग लिया था, तो आज मैं उनको गुरुद्वारे में ही लेकर जाऊंगी। तो अभी मैं आपके साथ जो है आगे ब्लॉग शेयर करूंगी कि कैसे हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, वहाँ पर लेकर जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। रात का टाइम हो गया है, 9:30 का टाइम है, तो अभी रात के टाइम ही वहाँ पर जो है अच्छे से कीर्तन वगैरह हो रहा है। वैसे तो सुबह से वहाँ पर जो है डेकोरेशन वगैरह की तैयारी हो रही थी, तो अभी मैं बच्चों को लेकर जाने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम निकल गए थे, हमारे जो है रास्ते में ही गुरुद्वारा पड़ता है और मतलब कि बिल्कुल पास में ही है गुरुद्वारा। सुबह सुबह आवाज़ भी आती है, जैसे मैं सुबह बच्चों को दूध पिलाने के लिए उठती हूँ 4:30-5 बजे, तो गुरुद्वारे में से आवाज़ आ रही होती है। आज तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सजा हुआ था, पहली बार मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। और वैसे भी मैंने मन्नत मांग रखी थी कि जब उनको लूज़ मोशन लगे थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ये मेरा बड़े वाला बेटा, तो मैंने मांगा था कि मैं गुरुद्वारे में उन्हें लेकर ज़रूर जाऊंगी। तो आज मौका था तो मैं लेकर गई उन्हें। वैसे तो हम बहुत कम ही लेकर जाते, जैसे मंदिर में भी पहली बार लेकर गए थे तो ये बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सजा रखा था यहाँ पर। ये पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा है, हमारे जो है घर के बिल्कुल पास में है। गुरुद्वारे को जो है बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ की और काफ़ी जो है लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। तो ये मतलब कि यहाँ पर 2-4 ऐसे गुरुद्वारे हैं और उनको जो है बहुत ज़्यादा नाम दिया गया है। और ये जो पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो थे पहले मेरे हस्बैंड बताते हैं, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो वो पहले जो थे मुसलमान थे और फिर उन्होंने मतलब कैसे वो बने, उन्होंने कैसे जो है ये सिख धर्म अपनाया या क्या था, मुझे इसके बारे में पूरी स्टोरी तो देखिए अब नहीं पता है, लेकिन हाँ बस इतना है। फिर उसके बाद हम माथा टेक कर बाहर आ गए थे, थोड़ी देर ही 5-1 मिनट ही बैठे थे, इसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो फिर बस यहाँ पर ये जो होता है यहाँ पर चक्कर काटते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर चक्कर काट कर फिर उसके बाद जो हमने थोड़ी बहुत पिक वगैरह क्लिक की थी, फिर हम मार्केट भी चले गए थे। वैसे तो मार्केट बंद हो गई थी क्योंकि विलेज एरिया में बहुत जो है इतनी ज़्यादा जल्दी मार्केट बंद हो जाती है, ज़्यादा नहीं ओपन रहती है। ये वीडियो थोड़ी सी उल्टी हो गई है, तो बस वहाँ से वापस आ गए थे, छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया। राधे राधे।